नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। कुल मिलाकर किसान आंदोलन अपने अगले चरण में प्रवेश कर रहा है और इसका पॉलिटिकल फॉलआउट अब दिखना शुरू हो गया है, जो बीजेपी के लिए थोड़ी चिंता की बात है। थोड़ी खतरे की घंटी बज रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से। हालांकि पहला इसका जो पॉलिटिकल फॉलआउट है वो पंजाब में सामने आया है। पंजाब में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होते हैं, कांग्रेस उन जगहों पर भी जीत जाती है जहां वो करीब 53 सालों से नहीं जीती है। 7 में से 6 में उसका कब्जा हो जाता है, 7वें में भी मोगा में वो सबसे आगे होती है। बीजेपी का सुपड़ा साफ होता है, अकाली दल का सुपड़ा साफ होता है, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होता है। लेकिन बीजेपी के लिए पंजाब इतनी बड़ी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि पंजाब में लोकसभा की सिर्फ 13 सीटें हैं और विधानसभा के अंदर भी देखा जाए तो बीजेपी अकाली दल का एक जूनियर पार्टनर थी और अकाली दल ही को ही असल फायदा होता रहा था। अब अकाली दल साथ में नहीं है तो बीजेपी अपने दम पर कुछ कर भी नहीं सकती खास। लेकिन बीजेपी को लग रहा था कि शहरी इलाकों में वो कुछ अपना असर दिखा पाएगी। जो किसान आंदोलन गांव और पिंडों तक सीमित है ऐसा बीजेपी को लग रहा था, तो शहर का वोटर कम से कम बीजेपी का साथ देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये बीजेपी के लिए चिंता की बात हो सकती है। इससे बड़ी चिंता की बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहां पर बीजेपी के लिए करीब 25-26 लोकसभा की सीटें हैं, करीब 100-125 विधानसभा की सीटें हैं, वो बड़ा मायने रखती हैं। संजीव बालियान जो मोदी सरकार में पशुपालन राज्य मंत्री हैं, उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 20 नेताओं की बैठक बुलाई। ये बैठक इसलिए बुलाई क्योंकि उससे पहले अमित शाह ने बीजेपी के जाट नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें दिल्ली के जाट नेता, हरियाणा के जाट नेता, राजस्थान के जाट नेता और पश्चिमी यूपी के बीजेपी के जाट नेता शामिल थे। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने अपने हिसाब से तोड़ निकालने की काम भी शुरू कर दिया है। संजीव बालियान ने इसका एक खाका, एक ब्लूप्रिंट भी हमारे सामने रख दिया है। उनका कहना है कि खा पंचायतों को वो अप्रोच करेंगे, खा पंचायतों के माध्यम से ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे 3 कानून जो हैं जो सरकार लाई है वो किसानों के हक में हैं। उनका ये कहना है कि पश्चिमी यूपी में तो APMC जैसी कोई चीज़ नहीं है, इस तरह की जो मंडियां नहीं हैं, कुल मिलाकर वहाँ MSP नहीं है क्योंकि गन्ना ही पैदा होता है, गन्ना क्रैश क्रॉप है जो MSP पर नहीं खरीदा जाता, वहाँ गुड़ की मंडियां हैं और वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती रही है, तो किसानों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो मिल मालिक और किसान, जो गन्ना किसान के बीच में होती है। 10,000 करोड़ का बकाया था किसानों का, जो अब 13,000 करोड़ हो गया है, लेकिन मोदी सरकार के जो, योगी सरकार के जो गन्ना के मंत्रालय के मंत्री हैं राणा, वो ये कह रहे हैं कि BSP और अखिलेश यादव के 10 साल के शासन में 1,47,000 करोड़ किसानों को गन्ने के लिए दिए गए थे चीनी मिल मालिकों की तरफ से, लेकिन योगी सरकार ने 4.25 साल में ही 1,22,00,000 रुपया से ज़्यादा किसानों को दिया है। तो वो कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गन्ना किसानों का बकाया 15 दिन में मिल जाएगा, ये कहकर ये चुनावी वायदे के साथ बीजेपी पिछली बार विधानसभा चुनाव में सत्ता में आई थी और पश्चिमी यूपी के जो जाट किसान नेता हैं, किसान हैं, उनका दिल जीता था। तो पश्चिमी यूपी खास तैयारी की जा रही है, उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छा रहता है कि वो पहले से तैयारी शुरू कर दे। हालांकि लोकसभा चुनाव 3 साल दूर है, विधानसभा चुनाव 1 साल दूर है, किसान आंदोलन का क्या नतीजा निकलता है, वो खुद कौन सा ऊँट बैठ, जो ऊँट है वो कौन सा करवट बैठता है चुनाव का, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन जिस ढंग से कांग्रेस अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिस ढंग से अजीत सिंह अपना पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस ढंग से बीजेपी को लग रहा है कि जाटों और मुसलमानों के बीच मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो डिवाइड हो गया था वो खत्म होता जा रहा है या खाई थोड़ी सी कम होती जा रही है, ऐसे में बीजेपी के लिए भारी चुनौती है कि वो किसानों की झोली में कुछ रखें और किसानों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करें। जो छोटे सीमांत किसान हैं उनको कम से कम वो प्रभावित करने की कोशिश करें। हरियाणा के अंदर बीजेपी को लगता है कि 10 साल हो जाएंगे अगला जब विधानसभा चुनाव आएगा बीजेपी शासन करते हुए, और ऐसे में फिर से सत्ता में आने की उम्मीद थोड़ी कम ही उनको लग रही है। अभी भी जजपा के 10 विधायकों के साथ हैं, 10 विधायक हैं लेकिन मंत्रालय जजपा के उनसे ज़्यादा हैं। दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री भी बनाया हुआ है
वहां जाट नाराज हैं, लेकिन गैर जाटों को मुख्यमंत्री बनाकर जो प्रयोग किया था बीजेपी ने, बीजेपी को शायद लगता है कि उस प्रयोग को और आगे जारी रखा जा सकता है और गैर जाट वोट जो है उसका ध्रुवीकरण अपने पक्ष में किया जा सकता है। राजस्थान में बीजेपी बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वहाँ पर किसान या जाट नाराज हैं तो उससे ज़्यादा नाराजगी तो वहाँ की जनता में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो तनातनी चल रही है उसको लेकर है। 5 साल बाद वहाँ हर बार सत्ता बदलती है, पिछले 25-30 साल से ये ट्रेंड रहा है, तो बीजेपी को लग रहा है वहाँ भी सत्ता में दूसरे समीकरण हावी होंगे, किसान वाला समीकरण इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर सारा ध्यान पश्चिमी यूपी की तरफ है, क्योंकि यूपी में बीजेपी सत्ता किसी कीमत पर नहीं खोना चाहती। एक, या योगी तो बिल्कुल भी सत्ता नहीं खोना चाहते। दूसरा, प्रधानमंत्री का जो रास्ता है, बनने का रास्ता है, वो यूपी से गुजरकर अभी भी निकलता है। बीजेपी इसे भी अच्छी तरह समझती है, इसलिए पश्चिमी यूपी पर सारा जोर लगा रखा है। हाँ, किसान आंदोलन के नेताओं को शायद कुछ लोग शाबाशी इस रूप में दे सकते हैं, पॉलिटिकल शाबाशी, कि उन्होंने बीजेपी को मजबूर किया है और जो पॉलिटिकल फाउल आउट है उससे बीजेपी कहीं डरी हुई है। लेकिन एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी को डरना भी चाहिए। आप चतुर्मुर्ग नहीं बन सकते कि रेत में आप सर साधें और सोचें कि तूफान गुजर जाएगा, और पहले से सावचेत हो जाना बहुत ज़रूरी रहता है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।